अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 18.6 डिस्कस करेंगे। नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन से आप इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं, और उसके अलावा चैप्टर 1 और दूसरे जो चैप्टर्स हैं सारी 10th की मैथमेटिक्स गिवन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ लेट्स स्टार्ट 18.6। 18.6 जो डिपेंड कर रही है वो K मेथड पे डिपेंड कर रही है, यानी जो गिवन प्रोपोर्शन है पी क्यू आर एस, ये टू रेशोज़ हैं, एक रेशो ये है एक रेशो ये है, दोनों इक्वल है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम कि रेशो को सपोज़ करेंगे K के इक्वल दोनों रेशोज़ को। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सी द प्रोसेस। इसको हम कहते हैं K मेथड सॉल्यूशन। P अपान क्यू, पी रेशो क्यू ए इक्वल टू आर अपान एस। ओके, सपोज़ ये K के बराबर है, इक्वल टू K, दैट इज़ वी सपोज़ ये K के बराबर है। ठीक है, तो अलग अलग लिख सकते हैं, P अपान क्यू इक्वल टू K, आर अपान एस इक्वल टू K। ओके, सो पी क्यू या डिवाइड में या मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, पी इक्वल टू क्यू के, और सिमिलरली यहाँ पे आर इक्वल टू एस के। ये थ्रू आउट सारी एक्सरसाइज में ऐसे ही हम कॉमन लेते रहेंगे, ऐसे ही सपोज होगा। फिर इसमें आप पुट करेंगे इक्वेशन वन में, पुटेंगे इन इक्वेशन वन या जिसको कहें मेन इक्वेशन, ठीक है, इसमें पुट करेंगे। ओके, एट पी की जगह पे हम क्यू के पुट करेंगे। ओके, माइनस थ्री क्यू सेम डिवाइड में भी इस तरीके से एट क्यू के माइ प्लस थ्री क्यू इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ भी आर की जगह पे हम एस के पुट करेंगे, एट एस के माइनस थ्री एस डिवाइड बाय एट एस के प्लस थ्री एस। राइट, लेफ्ट साइड से क्या कॉमन है, थ्री क्यू कॉमन है, डिवाइड में भी सॉरी क्यू कॉमन है दोनों में, डिवाइड और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और यहाँ एस कॉमन है दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ क्यू कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा हमें, एट के माइनस थ्री डिवाइड बाय क्यू एट के प्लस थ्री, क्यू क्यू में कैंसिल। राइट साइड से भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एस कॉमन एट के माइनस थ्री, ओके, डिवाइड बाय एस कॉमन 8k प्लस 3, क्योंकि s जो है वो कॉमन निकल गई इनसे, s s में कैंसिल। तो अब हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, एस के माइनस 3 एस के प्लस 3, यहाँ भी एस के माइनस 3 एस के प्लस 3 सॉरी 8k। ठीक है, सो व्हाट वी गेट, 8k माइनस 3 डिवाइड में 8k प्लस 3, ये रिजल्ट मिला, इक्वल टू 8k माइनस 3 डिवाइड बाई 8k प्लस 3। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों बराबर हैं, प्रूव्ड। ओके, प्रूव हो गया। राइट, सिमिलरली ये भी प्रूव करना है। राइट सॉल्यूशन। ओके, सपोज P अपान Q इक्वल टू R अपान S इक्वल टू K। ठीक है, सो P इक्वल टू क्यू के। ठीक है, यहाँ एक स्टेप आगे करके लिखें, राइटिंग मोर वन स्टेप मोर। ठीक है, ये K इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, आर अपान एस इक्वल टू के। राइट,
सो पी इक्वल टू क्यू के एंड आर इक्वल टू एस के, इसमें मैनी क्वेश्चन में पुट करेंगे, पुटिंग इन मैन क्वेश्चन, ये मैन इक्वेशन है, या इक्वेशन वन कहें या मैन इक्वेशन कहें, आपकी मर्जी है, ठीक है। इक्वेशन वन में पुट करेंगे, राइट, फिर इसको वन, यू मस्ट राइट हेयर वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट पी की जगह हम लिखेंगे क्यू के क्यूब, राइट, प्लस आर की जगह पे लिखेंगे एस के क्यूब, ओके, डिवाइड बाय क्यू क्यूब एस क्यूब, क्यू क्यूब एस क्यूब इक्वल टू पी की जगह हम लिखेंगे क्यू के डिवाइड में क्यू, ओके, क्यूब रूट, राइट। अब क्या होगा कि क्यू क्यूब होगा, क्यू क्यूब एंड के क्यूब, एस क्यूब के क्यूब, राइट, क्यू क्यूब के क्यूब प्लस एस क्यूब के क्यूब डिवाइड बाय क्यू क्यूब एस क्यूब, एंड राइट साइड में क्या होगा, क्यू क्यू में कैंसिल, हमें के मिला, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन निकालेंगे, क्यू क्यूब कॉमन निकालेंगे हम, क्यू क्यूब कॉमन, क्यू क्यूब के क्यूब कॉमन, क्यू क्यूब एस क्यूब डिवाइड में भी ये सेम, क्यू क्यूब एस क्यूब, ओके, क्यू क्यूब एस क्यूब कैंसिल, ठीक है। यहाँ के, यहाँ भी क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट है, के का क्यूब रूट फाइंड करेंगे के मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट वी गेट, के यहाँ भी के आंसर मिलेगा, ये भी के आंसर है, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। सो आंसर फाइनली क्या मिलेगा, के इक्वल टू के प्रूव्ड, ये फाइनल आंसर, ये स्टेप के बाद ये आंसर आएगी, यानी यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मे बी आपको नज़र नहीं आए इसलिए मैंने ऊपर लिखा है प्रूव्ड, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर इसलिए लिखा है कि ये थोड़ा शार्ट है, और क्वेश्चन थ्री एंड फाइव थोड़ा लॉन्ग है, वो इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली लेट, सपोज को हम लेट भी लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू के, ठीक है। सिमिलरली पी अपान क्यू इक्वल टू के, आर अपान एस इक्वल टू के, पी इक्वल टू क्यू के एंड आर इक्वल टू एस के, ओके, ये पुट करेंगे वन में, मैनी क्वेश्चन में पुटिंग इन वन, तो वन क्या है, पी की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू के पावर फाइव प्लस आर की जगह पे हम एस के लिखेंगे, एस के प्लस फाइव, ये एस के, आर की जगह पे हम एस के लिखेंगे, ठीक है। रेशो यानी डिवाइड, डिवाइड में होगा क्यू पावर फाइव प्लस एस पावर फाइव इक्वल टू क्यू के क्यूब, आर की जगह लिखेंगे एस के स्क्वायर डिवाइड में क्यू क्यूब एस क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्यू फाइव एस फाइव, यहाँ भी क्यू फाइव एस फाइव होगा, क्यू फिफ्थ के फिफ्थ प्लस एस फिफ्थ के फिफ्थ डिवाइड बाय क्यू पावर फाइव प्लस एस पावर फाइव इक्वल टू क्यू क्यूब के क्यूब, ठीक है, दोनों के ऊपर क्यूब आएगा, है क्यू के भी ऊपर के क्यूब ऊपर, और यहाँ भी एस स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू क्यूब
एस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एस स्क्वायर है, गिवन में भी एस स्क्वायर है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, क्यूब क्यू क्यूब क्यू क्यूब में कैंसिल, एस स्क्वायर में कैंसिल। हमें यहाँ क्या कामन है, के फाइव कामन है, के पावर फाइव कामन, क्यू क्यू पावर फाइव प्लस एस पावर फाइव यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये के फाइव हमने के पावर फाइव कामन निकाला, राइट। तो अब हम अब क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन में भी क्यू फिफ्थ और एस फिफ्थ है, क्यू फिफ्थ प्लस एस फिफ्थ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, क्या मिला हमें के फाइव, और यहाँ क्या मिला है क्यूब और स्क्वायर, के फाइव मिलेगा, के फाइव, के फिफ्थ इक्वल टू के फिफ्थ, दोनों साइड बराबर हैं तो क्या होगा, प्रूव्ड। ओके नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फाइव। क्वेश्चन नंबर थ्री, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड टू का वन का ही थ्री है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशियो पी क्यूब अपान पी प्लस क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रेशियो आर क्यूब अपान आर प्लस एस। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व बाय यूजिंग सेम मेथड सॉल्यूशन। ओके लेट पी अपान क्यू रेशियो, ओके इक्वल टू पी रेशियो क्यू, राइट, इक्वल टू आर रेशियो एस इक्वल टू के। ओके सो पी अपान क्यू इक्वल टू के, आर अपान एस इज ऑल्सो इक्वल टू के, जैसे पहले हमने किया ऐसे ही है। देयरफॉर पी इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू के सिमिलरली एंड आर इज इक्वल टू एस के। पुटिंग इन दिस इक्वेशन वन, पुटिंग इन इन वन, ये इक्वेशन वन है, इसमें हम पुट करेंगे। ओके सो व्हाट वी गेट, वी गेट नाउ पी की जगह पे क्यू के क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे, ओके रेशो क्यू क्यूब पी क्यूब, पी की जगह क्यूब रखेंगे, क्यू क्यूब एंड के क्यूब डिवाइड बाय क्यू प्लस क्यू के प्लस क्यू, ठीक है। इसकी जगह क्यू के रखे रखा हमने और क्यू सेम इक्वल टू सिमिलरली एस स्क्वायर के स्क्वायर, राइट, यार की जगह हमने रखा एस स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर है एस के, राइट, इक्वल टू आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स एस क्यूब के क्यूब, ओके आर इसके बराबर है एस के, इसलिए एस क्यूब के क्यूब डिवाइड में एस के प्लस एस, एस के प्लस एस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी टर्म्स कामन है वो कामन निकालेंगे, यहाँ पे कामन क्या है क्यू है, ओके क्यू स्क्वायर कामन के स्क्वायर प्लस वन, यहाँ कामन क्या है क्यू क्यूब है के क्यूब डिवाइड में क्यू कामन के प्लस वन, क्यू स्क्वायर ये दोनों रेशो में कैंसिल होंगे, यहाँ के क्यू और इस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट, ओके क्योंकि यहाँ ये वन पावर है, वन पावर इसके साथ कैंसिल। ओके यहाँ क्या कामन है एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन, राइट, सिमिलरली रेशियो है एस क्यूब है के क्यूब इक्वल टू एस कामन, यहाँ एस कामन है के प्लस वन, ये स्क्वायर, ठीक है, ये वन पावर मिला स्क्वायर में कैंसिल, तो ये एस एस सारी से कैंसिल, राइट। तो हमें अब क्या मिला के स्क्वायर प्लस वन रेशियो के क्यूब के प्लस वन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस वन, ये के स्क्वायर प्लस वन रेशो के क्यूब अपान के प्लस वन, तो ये रेशो और ये रेशो सुनो
इक्वल हैं, क्या हुआ प्रूव्ड। सिमिलरली अब ये प्रूफ करेंगे क्वेश्चन 5, सेम रूल सेम वे, लेट पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस इक्वल टू के, ठीक है, इम्प्लाइज दैट पी अपान क्यू इक्वल टू के आर अपान एस इक्वल टू के, सो आर इक्वल टू एस के, ओके, एंड पी इक्वल टू क्यू के, ओके, ये पहले लिखे हैं ये सेम है राइट, ओके पुट करेंगे नाउ, पुटिंग इन वन में पुट करेंगे, वन ये है ओके, इसमें पुट करेंगे अब राइट, सो नाउ लेट्स पुट पी की जगह हम लिखेंगे क्यू के, इसमें सारे में पी जहाँ भी है क्यू के लिखेंगे, और क्यू सेम होगी, ये क्यू है ना, ये सेम होगी, पी की जगह सिर्फ हम क्यू के लिखेंगे, ठीक है, तो पी की जगह हमने क्यू के लिखा, ओके, जहाँ भी पी के पी है उसकी जगह पे क्यू के लिखा, आर की जगह पे हम लिखेंगे एस के, ठीक है, एस के माइनस एस अपान एस के, ओके, एस अपान एस के प्लस एस, अब क्या करेंगे, जो कॉमन है एस कामन है आर कामन, एस कामन है या क्यू कामन है वो कामन निकालेंगे, यहाँ क्यू कामन है तो क्यू के माइनस वन डिवाइड बाय क्यू के, ओके, क्यू डिवाइड बाय क्यू के प्लस वन, क्यू हमने कामन निकाला, यहाँ से भी यहाँ भी क्यू कामन है, ठीक है, यहाँ क्या कामन है एस, एस के माइनस वन डिवाइड बाय एस के, ओके, एस अपान एस कामन के प्लस वन राइट, तो अब हम क्या करेंगे, जो लाइक हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, क्यू क्यू में कैंसिल, एस एस में कैंसिल, एस एस में कैंसिल, यहाँ वन मिला हमें राइट, ओके, सो अब यहाँ हमें क्या मिला, क्यू क्यू में कैंसिल, यहाँ मिला क्यू के माइनस वन अपान के रेशो वन अपान के प्लस वन इक्वल टू के माइनस वन अपान के रेशो वन अपान के प्लस वन, ओके, दिस साइड लेफ्ट साइड एंड राइट रेशो दोनों बराबर हैं, ओके, सो क्या हुआ अब प्रूव्ड हो गया, ओके, क्वेश्चन वन के सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए 1, 2, 3, 4, 5 राइट, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट सॉल्व करते हैं, नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 18.6 का सॉल्व कर रहे हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिएबल्स जो हैं वो 3 हैं, यानी रेशोज़ यहाँ पे 3 हैं, तीनों रेशोज़ इक्वल हैं, सेम मेथड के मेथड से करेंगे राइट, मगर रेशोज़ 3 हैं, तो यहाँ भी हम के 3 पार्ट्स में यानी 3 रेशोज़ के इक्वल करेंगे राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन, अगर लेट ए रेशो बी या ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ इक्वल टू के, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये सब सेपरेटली के के बराबर हैं, ये के सारे सब के बराबर है, ए अपान बी सी अपान डी ई अपान एफ, तो ये सब के बराबर हैं, सो ए अपान बी इक्वल टू के सी अपान डी इक्वल टू के ई अपान एफ इक्वल टू के राइट, सो ए इक्वल टू बी के सी इक्वल टू डी के ई इक्वल टू एफ के राइट, तो ये सेम मेथड ये तीनों स्टेप सब प्रॉब्लम के लिए यूज होंगी, ओके, सो ये तीनों स्टेप सब प्रॉब्लम के लिए सेम होंगी, नाउ पुट इन वन, मेन इक्वेशन ये है वन, इसमें हम पुट करेंगे ये वैल्यू, पुटिंग इन वन, ओके, पुटिंग इन वन
लेट्स राइट, वन में पुट करेंगे, एक ही जगह पे हम बी फोर्थ के फोर्थ लिखेंगे, ओके, बी फोर्थ के फोर्थ, और यहाँ है बी स्क्वायर, ओके, प्लस एक ही जगह पे सेम रखेंगे हम, ओके, क्या ए बी स्क्वायर के स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई फोर्थ ई के जगह पे हम सॉरी ई की जगह पे भी हम ये रखेंगे, व्हाट वी राइट एफ एंड के, एफ स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ई की जगह पे एफ फोर्थ के फोर्थ इंटू एफ डिवाइड बाय बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस बी एफ फाइव, ओके राइट। तो अब यहाँ देखें के फोर्थ यहाँ भी है, के फोर्थ यहाँ भी है, स्क्वायर स्क्वायर फोर्थ के फोर्थ यहाँ भी है, तीनों टर्म्स में के फोर्थ है, तो हम क्या करेंगे के फोर्थ कॉमन निकालेंगे, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करें फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे, के फोर्थ इज कॉमन, के फोर्थ कॉमन, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बी पावर सिक्स फोर एंड टू सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर फोर ये और वन ये फाइव डिवाइड में ये सब हम सेम लिखेंगे बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ फाइव, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है, बी सिक्स दोनों में है, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर दोनों में है माइनस एफ फाइव, तो ये ब्रैकेट कैंसिल, हमें क्या मिला सिर्फ के पावर फोर मिला, राइट। तो अब हम राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं, राइट साइड में क्या है ए फोर्थ बी फोर्थ, ए क्या क्या वैल्यू है एज ए की जगह पे हम बी लिखेंगे और के लिखेंगे, बी फोर्थ के फोर्थ ए की जगह पे बी फोर्थ के फोर्थ अपान बी फोर्थ, ओके बी फोर्थ कैंसिल, तो हमें क्या मिला के फोर्थ, ये के फोर्थ है ये भी के फोर्थ, तो क्या हुआ के फोर्थ इक्वल के फोर्थ प्रूव्ड, राइट। सिमिलरली ये प्रूव करेंगे सेकंड, सेम मेथड सेम तरीके से सॉल्यूशन ए अपान बी इक्वल सी अपान डी, ये रेशो गिवन है ए अपान बी सी अपान डी इक्वल ई अपान एफ, राइट, सो इक्वल टू के, ये सब के बराबर है, तो के इन सब के बराबर होगा, ए अपान बी इक्वल टू के सी अपान डी इक्वल टू के एंड ई अपान एफ इक्वल के। तो अब यहाँ क्या मिलेगा ए इक्वल टू बी के, बी डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा सी इक्वल टू डी के ई इक्वल टू एफ के, राइट। ये अब हम पुट करेंगे क्वेश्चन वन में, यही क्वेश्चन वन ही पुटिंग इन वन, यही क्वेश्चन वन है इसमें पुट करेंगे, राइट। सो व्हाट वी गेट, एक ही जगह हम पुट करेंगे बी के, सो ए स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर के स्क्वायर और एंड बी सेम प्लस सी की जगह हम क्या पुट करें डी के, डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू डी, ये डी ए प्लस ई की जगह हम पुट करेंगे एफ ए स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय ए की जगह पे बी के बी स्क्वायर प्लस डी के डी स्क्वायर प्लस ई एफ के एफ स्क्वायर, राइट। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करें फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या कॉमन है सब में के स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन है के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी
और यहाँ भी यहाँ के सब में के कामन नहीं, राइट? ओके, सो के स्क्वायर कामन निकालेंगे, यहाँ से के कामन निकालेंगे। नाउ लेट्स सी। ओके ठीक है, यहाँ यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ भी, यहाँ डी क्यूब है, यहाँ एफ क्यूब है, राइट? नीचे भी ये सेम है, ठीक है। बहरहाल ये कामन निकाल रहे हैं यहाँ पे, के स्क्वायर कामन बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, एफ स्क्वायर, ओके, एफ क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एफ मैंने नहीं लिखा, ये एफ है, ठीक है, एफ क्यूब डिवाइड बाय, यहाँ सारी चीज़ें सेम, के कामन निकालेंगे, के कामन बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ओके। तो ये ब्रैकेट सेम है, दोनों कैंसिल। ओके नाउ लेट्स सॉल्व, हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ के मिला, ठीक है। के स्क्वायर को डिवाइड कैसे करेंगे? तो सिर्फ के। नाउ लेट्स सॉल्व दिस साइड, राइट साइड। राइट साइड क्या है? ए बी सी, ए सी ई तीनों की जगह पे हम रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे? बी के प्लस डी के एफ के, ठीक है, तीनों की जगह हम रखेंगे बी के प्लस डी के प्लस एफ के, डिवाइड में बी डी एफ, के कॉमन है, राइट? के इज कॉमन, बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइड बाय बी डी एफ, बी डी एफ, बी डी एफ में कैंसिल। तो हमें क्या मिला? के मिला, के बराबर प्रूव्ड। ओके नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन थ्री, सॉल्यूशन ऑफ थ्री। ये भी सेम मेथड है। ओके ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ इक्वल टू के, ए इक्वल टू शॉर्ट में लिख रहे हैं, ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के एंड ए इक्वल टू एफ के। ओके पुट करेंगे वन में, ये इक्वेशन वन है, दिस इज इक्वेशन वन, वन में पुट करेंगे। ओके सो वी हैव व्हाट? वी हैव ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के एंड ई की जगह पे एफ के पुट करेंगे दोनों साइड्स पे। ओके यहाँ पे बी के इंटू ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं बी के एंड डी के, राइट, अपॉन बी डी प्लस डी के एफ के अपॉन डी एफ प्लस ई की जगह पे एफ के बी के अपॉन एफ बी इक्वल टू, ये राइट साइड फिर सॉल्व करें, पहले लेफ्ट साइड लिखें, सिमिलरली अब क्या होगा कि बी डी एंड डी बी, बी डी बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर अपॉन डी एफ प्लस एफ बी के स्क्वायर अपॉन एफ बी। ओके सो यहाँ पे डी, ये बी डी, बी डी में कैंसिल, डी एफ में कैंसिल, बी एफ बी, एफ बी, एफ बी में कैंसिल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू थ्री के स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब ये सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे हम क्या रखेंगे? बी स्क्वायर के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, क्योंकि सी की जगह पे हम डी के लिखेंगे, ठीक है ना, ये सी इक्वल टू डी के, ई की जगह हम एफ के लिखेंगे प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपान एफ स्क्वायर। ओके इक्वल टू बी स्क्वायर में कैंसिल, डी स्क्वायर में कैंसिल, एफ स्क्वायर में कैंसिल, सो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तीनों में हमें के स्क्वायर मिला, तो
इक्वल टू व्हाट, 3k स्क्वायर। ओके सो प्रूव्ड। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तीनों प्रूव कर लिए, मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ। आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी कंट्रीब्यूशन उन तक भी पहुँच सके। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।